वर्ष 2021-22 सीएम राइज स्कूल का चयन हुआ, इसमें कन्नौज को भी शामिल किया गया, लेकिन भूमि के अभाव में अभी भी सीएम राइज स्कूल के निर्माण का कार्य अधर में लटका हुआ है। पहले यह भवन नवीन हाई स्कूल के पीछे वाली भूमि पर बनने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उक्त स्थान पर खेल ग्राउंड होने से यहां आपत्तियों के चलते उक्त मामला अधर में चला गया था। इसके बाद कन्नौज से करीब 5 किलोमीटर दूर सेरोगाना स्थित गांव में प्रशासनिक स्तर पर भूमि को देखा गया, लेकिन वह नगर से 5 किलोमीटर दूर स्थित है। नगर में नागरिकों का मानना है कि उक्त सीएम राज स्कूल को कॉलेज के पीछे वाली भूमि या सतवास मार्ग पर स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड वाली भूमि पर स्कूल निर्माण किया जा सकता है। ट्रेंचिंग ग्राउंड की भूमि खाली है, इसके पीछे ITI का कार्यालय भी स्थित है। कॉलेज वाली भूमि और ट्रेंचिंग ग्राउंड वाली भूमि दोनों सभी दृष्टिकोण से उपयुक्त तो है, इस कारण इन दोनों स्थानों में से किसी एक स्थान पर स्कूल का निर्माण कार्य कराया जाना उचित होगा। कन्नौज से कमल गर्ग राही की रिपोर्ट। सर, सीएम राय स्कूल के बारे में थोड़ा विस्तार से आप बताएं कि अभी वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण योजना सीएम राय की स्थापना के लिए हुआ था और देवास जिले में 7 स्कूल में हमारा जो कन्नौज ब्लॉक है उसमें सीएम राइज चला और हमारे यहाँ भरपूर स्टाफ 22-23 का दिया, उन्होंने चयनित शिक्षक दिए। वर्तमान में 320 बच्चे हैं और जो भी राशि आती है वो बच्चों के विकास के लिए हम खर्च कर रहे हैं और रनवे पुते का पूरा कार्य पूरा हो गया, मैदान का काम भी हम लगभग पूर्ण कर चुके हैं और हमारा जो लक्ष्य है गरीब बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रवेश देने का है और अच्छी शिक्षा देना है और लगातार भोपाल से मॉनिटरिंग होती है, प्रति सप्ताह ऑनलाइन मीटिंग होती है, उसमें हम जो भी हमारी समस्या है प्रॉब्लम होती है वो हम उनको सर को बताते हैं और हमें गांव का कन्नौज ब्लॉक से बहुत सहयोग मिलता है, प्राचार्य से सहयोग मिलता है और विकासखंड शिक्षा अधिकारी से सहयोग मिलता है, जिला शिक्षा अधिकारी से सहयोग मिलता है। माननीय विधायक महोदय आशीष जी शर्मा जी ने भी हमको बहुत सपोर्ट किया और बहुत इस स्कूल के लिए बहुत प्रशंसा की और देवास जिले में हम चाहते हैं कि हमारा नगर में कन्नौज ब्लॉक में सीएम राइज हमारा प्रथम आए और शासन की जो भी योजना आती है वो बच्चों को हम बताते हैं। गरीब बच्चों को 125 जोड़ी कपड़े भी वितरित किए और उसके अलावा जो भी पुस्तकें आती है छात्रवृत्ति आती है तो भी सब बच्चों को हम शासन के द्वारा जो भी सुविधा आती है वो सब बच्चों को खाते के अंदर वितरण की जाती है। अच्छा, वर्तमान में भवन की क्या स्थिति है? भवन का सर वर्तमान में क्या है कि वरिष्ठ अधिकारियों का जो निर्देश है उन्होंने जमीन का बताया था कि करीबन 7 से 8 एकड़ जमीन का देखिए आप, पर हमारा जो गांव सेरोगुना है वहां पे जमीन पर्याप्त है सेरोगुना और हमारा सब स्टाफ की इच्छा है कि अगर सेरोगुना बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो पुराना भवन है नवीन वहाँ पर 4 से 4.5 एकड़ है वो कम पड़ती है। एक अपने टेंचिंग ग्राउंड बताया वो भी अपने 5 बीघा है, 5 एकड़ जमीन है वो भी हमको कम पड़ती है। शासन से मंशा है कि हमारी कम से कम 8 से 10 एकड़ जमीन जहाँ मिल जाए शासन द्वारा वहाँ पे हमारा सीएम राइज अच्छा बढ़िया मैदान, बढ़िया स्विमिंग पूल, बसों के आने जाने की व्यवस्था हो, पर्याप्त कमरे हो, वो हम। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।